जल्दी से। तो गाइस अभी जाएंगे आराम से और दर्शी को धप्पा देंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं 11:30 और मैं अभी शॉप से आया हूँ। तो एक्चुअली मैं अंदर चुपचाप से आ रहा था ताकि अगर दर्शी अंदर होगी तो मैं उसको धप्पा करूँगा, बट यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और यहाँ पर सिर्फ टीवी चल रहा है और टीवी में चल रहा है आज तक, और आज तक में चल रही है वही कोविड की न्यूज़। तो इसलिए मैं इसको करता हूँ बंद, क्योंकि सावधानी लोगों को पता ही है कैसे बरतनी है, मास्क कितना पहनना है, कैसे पहनना है और किस तरीके से हाथ धोने, तो ये सब मालूम है। तो ये अब नॉर्मल सी बात है, तो आज तक में बस ये चलता रहता है, तो उसको मैंने कर दिया बंद। तो आज ईशा मेरा प्लान था कि हम लोग जाएंगे थोड़े से प्लांट्स खरीदने के लिए, और ये बज चुका है 12 और हमारा प्लान था कि हम 11:30 निकलेंगे यहाँ से, बट शॉप में करते करते मैं लेट हो जाता हूँ। तो क्या फटाफट से नहा के आता हूँ और चलते हैं फिर नर्सरी। ऑफ रोड क्यों आ गए? ऑफ रोडिंग क्योंकि हमारी बाइक में है गन, इसलिए हम करते हैं ऑफ रोडिंग। शाबाश बेटा, दिल्ली में सारे स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल से घर जा रहे हैं और कुछ स्कूल को वापस जा रहे हैं। मौसम इतना ठंडा है ना आज, माय गॉड, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है। और बच्चों को चल रहे एग्जाम, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की दुकानें हैं। हमारे यहाँ का फेमस अग्रवाल स्टोर, मंदिर हम आ चुके हैं नर्सरी और नर्सरी से खरीदने हैं थोड़े से प्लांट्स, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत दिल्ली में बढ़ रहा है, तो इसलिए हम अपने घर के अंदर अपने रूम्स में लगाऊंगा प्लांट्स को छोटे छोटे। तो चलते देखते कौन कौन से प्लांट है यहाँ पर अवेलेबल। तो यहाँ पर है ससुराल गेंदा फूल। तो गाइस ये है 1000 रुपीस का कैक्टस। तो गाइस यहाँ जो नर्सरी है इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल है, और ये है 250 रुपये का, कौन सा है ये कैक्टस। तो हमें ये वाले प्लांट्स तो चाहिए नहीं, इसलिए हम यहाँ से आगे चलते हैं। सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है पॉल्यूशन को चूस ले अपने अंदर? लोगों ने भी कप में उगाए हैं छोटे छोटे पौधे, 250 का एक। तो गाइस ये वाला पौधा है 150 रुपीस का। तो ये सब होम डेकोर के काम आते हैं क्योंकि इन्हें पानी बहुत कम लगता है। तो हम स्पेशली यहाँ पर है एरिका पाम के लिए। पर ये है मिर्ची का पौधा, नहीं ये उसका इसको बोलते रात की रानी का पौधा। तो हमें चाहिए एरिका पाम, ओ इसमें 3000 रुपीस। तो गाइस जिस पौधे के लिए मैं आया था वो है एरिका पाम, वो कहाँ है लेकिन मैं दिख नहीं रहा। क्योंकि जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोगों को प्लांट्स की सख्त ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए हम लोग घर के लिए लेके आएंगे भी 2-4 पौधे। ये देखिए तो जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन को कंज्यूम करता है वो है एरिका पाम, तो वही पौधा मैं ढूंढ रहा हूँ बट मुझे मिल नहीं रहा है, वो कहाँ है वो। यहाँ पर देखो यहाँ बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं यहाँ पर, बट हमें इतने का नाम पता नहीं है। और निशा वहाँ पर कुछ कर रही है ख़रीदारी। क्योंकि वो बॉटनी की स्टूडेंट है इसलिए उसको पता है पेड़ पौधों के नाम, बट मुझे नहीं पता। ये रहा एरिका पाम 300 रुपीज़ का।
और ये वाला कितने का है? ये 300 का और 600 का। ये कौन सा वाला पौधा भैया? ये क्रिसमस ट्री बोलते हैं, एरोकेरिया। ओ क्रिसमस ट्री। इसको भैया ये कितने का? ये जूनिपरस। ये कितने का है? ये तो मेरे गांव में होती है। गांव में तो हमारे 400 कृष्ण जी का कुछ बोलते हैं। इसको भी क्रिसमस ट्री लोग बोलते हैं, लेकिन इसका जूनिपरस है। इसमें बड़ा है आपके पास? बड़ा था लेकिन मेरा खत्म हो गया, इस साइड में था 5,000 रुपए में पूरा बनना था। इसको सही लगाओ भैया, सही है। तो गाइस ये दो ऑप्शन में हमारे पास, एक ये वाला एक वाला, तो अभी हम डिसाइड करें कौन सा लेना है, कौन सा हेल्दी पौधा है। तो दिस वन इज, ये थोड़ा कम हेल्दी लग रहा है मेरे को। एक तो ये ले लेते हैं और एक और एक वाला ले लेते हैं। तो क्या हो गया, हम बड़ा कर देंगे इसको। ये तो हम ले ही ले रहे हैं, अच्छा है। चल ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है। ये कर दो भैया, एक तो ये तो पक्का कर दो, इसका भी रहने दो। व्हाई? कोई बात नहीं, थोड़ा मुझे लग रहा है मुझे लेंथ थोड़ा इतना बड़ा चाहिए, टेबल पे रखूंगी अच्छा। अभी तो बड़ा हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगी उसी घर में रख के यार। इसको कर दो भैया, ये भी है देखो, बट बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा। ये थी बॉटनी के स्टूडेंट, उसको एक ही पौधे का नाम नहीं पता, सिर्फ एक ही प्लांट था एरिका पाम, उसी का नाम रख के आई हुई थी और वही बताया इसने मेरे को। और हमने फाइनली एक पौधा ले लिया है और एक प्लांट अभी और लेना है। वो वाला ले लेना जो तू देख रही थी, बढ़िया था वो। ये कौन सा है? ये क्या है भैया? ये भी जूनिपरस है ना? ये जूनिपरस। ये कितने के भैया? ये 450 रुपए का। डिफरेंस क्या है दोनों में? विद पॉट। ये पॉट के साथ मिलेगा। अच्छा 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 भैया, कैसे यूज करते हो? ठीक है भैया, ये तो पानी में, ये कोकोपीट निकाल लेते हैं इसको, 12 घंटे के बाद निकाल लेते हैं। ठीक है, और कैसे डालते हो? खाद, मिट्टी, जैसे ये आप मिट्टी के ऊपर यूज कर सकते हैं। हाँ। मतलब पानी डाला और उसको भी यूज कर लिया 12 घंटे बाद? उसको निकालना पड़ता है पानी से। अच्छा, एक इसको तीन बार डालना पड़ता है, एक बार निकालते हैं फिर निकालते रख देते हैं, फिर इसको फिर डालते हैं, फिर उसी पानी में, अलग पानी, उसी पानी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था कि तीन बार पानी डालने से इसकी जो होते हैं इसके अंदर नमक होता है। अच्छा, और नमक हट जाता है इसलिए पौधा अच्छा चलता है। कोकोपीट का बार कितने है, मतलब कितना बड़ा आपके पास? आप ब्रेक मिलेगा जी, आपको 5 किलो का मिलेगा, 250 का। 250 का। ये ब्रायोफाइलम है, इसे पत्ते। तो गाइस ये कोकोपीट, तो इसका पूरा पिट बॉक्स मिलता है 250 रुपए का, 5 किलो का। ₹500 का ये छोटे वाले, 250 रुपीस का। ये देखिए उसके, मतलब ये भी मेरे को यूनिक लगा। दैट इज आल्सो 250 रुपीस का। ये कितने का? 300 होगा का, 2 मिलेगा। ये ऐसा लग रहा है बाथटब शेप का, छोटा सा। ये प्लास्टिक के पॉट है 40 रुपीस के। और ये वाला सॉलिड? सॉलिड नहीं है। 1500। ये 1500 का फाइबर वाला है, अच्छी क्वालिटी का। और ये वाले वही सेम रेट, ये पूरे 1500 के ऊपर, ये सारे 1500 के हैं। ये 250 का है, ये 1500 के हैं सारे। तो गाइस हमने ले लिए हैं पौधे और अब हम जा रहे हैं घर के लिए, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, हल्की हल्की बूंदा बांदी हो रही है। तो यार ठंडा तो बहुत अच्छा है आज, इस बार ठंड बहुत पड़ने वाली है, दिसंबर का महीने की शुरुआत हो चुकी है बहुत ही अच्छे मौसम के साथ।
और इस बूंदाबांदी के साथ जब पॉल्यूशन है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ, पॉल्यूशन कम हो जाएगा इससे बारिश। और ये यहाँ पे सजाते हुए पेंटिंग वेंटिंग करते हुए यहाँ हो रहा है पेंट, ग्रीन को पेंट किया जा रहा है एकदम गोल्डन और ग्रीन रंग में, बहुत सुंदर लग रहा है। छतरपुर का मेक ओवर हो रहा है। फ्रेश सब्जियाँ, तुमने चीकू खाया क्या इस मौसम का पहला? ये है क्रिसमस ट्री। She'll be so happy to see, वो हमेशा मुझसे सिर्फ पौधे मांगती रहती है। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर वापस और हमने कुल मिलाकर 3 प्लांट्स लिए थे। तो जिसमें से एक प्लांट है वो मैंने अपने पास रखा हुआ है जो कि था क्रिसमस ट्री, और जो 2 प्लांट्स थे वो रखे हैं निशा ने अपने पास। तो अभी लग रही है मुझे बहुत ठंड क्योंकि बाहर की ठंड और मैंने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी थी, तो ठंड के मारे मेरी जो है रूह कांप गई है। तो फटाफट से अभी मैं चाय बनाता हूँ अपने लिए और चाय पीता हूँ, इससे थोड़ी गर्माहट आएगी। और अभी बैठता हूँ थोड़ा सा कंबल के अंदर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को। तो अभी पीते हैं चाय। तो गाइस चाय पी के मैं निकलूंगा शॉप के लिए। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।